एक खूबसूरत घर होता है, हर चीज़ अपनी जगह, हर चीज़ मैचिंग होती है। सोफे का कवर पर्दों से मैचिंग होती है। ऐसा घर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक ये है मेरा घर, स्पेशली ये डाइनिंग टेबल इतना बिखर के पड़ा हुआ है, इसका मुझे कोई भी प्राउड फील नहीं हो रहा है। मैं इसे आज एकदम से ठीक कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि ब्रेकफास्ट के लिए लेट ना हो जाए। तो मैं आज बनाने वाली हूँ लौकी की चिल्ला। लौकी, बेसन और थोड़ा सा आटा मिलाऊँगी, उसका मैं एक चिल्ला बनाने वाली हूँ। और ये मैं फ्रिज में रखी थी पपाया काट के, उसको भी निकाल ली हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे डिस्टर्ब करने आए थे, उनको लगा कि मैं ये क्लिप नहीं डालूँगी, लेकिन मैंने ये डाल दिए है, बदला ले लिया है। ये मैंने लिया है एक चम्मच आटा, थोड़ा सा सूजी ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। बेसन दो चम्मच लिया है, जितना एक चम्मच दिखाई हूँ थोड़ा और डाली हूँ। तो इनको मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिला के 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जब तक मैं दूसरा मतलब लौकी ग्रेट ना कर लूँ। तब तक ये सूजी भी डाला है ना, वो थोड़ा फूल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो डाल के मैं ये रख लूँगी साइड में। और उसके बाद में जो लौकी है, इतना छोटा सा ही लौकी मैं डालने वाली हूँ, इतना बचा के रखा था सब्ज़ी के बाद में, तो इतने में हम दोनों के लिए हो जाएगा। तो ये इसको मैं अच्छे से छील के ग्रेट कर लूँगी। ये जो चिल्ला है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, ये भी आपको पता है लौकी बहुत अच्छा होता है। तो मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ, ये थर्ड टाइम मैं बना रही हूँ लौकी का चिल्ला। और इसमें लौकी के मुझे लगा अंदर में कुछ है, तो मैंने इसे 2 पार्ट में करके ग्रेट कर लिया है, इससे आसान हो गया मुझे ग्रेट करना। मैं इसमें थोड़ा सा प्याज और धनिया पत्ता, हरी मिर्च वगैरह डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक ये जो चॉपर है चॉपर ले लिया है। आपको अगर चॉपर में करना है तो चॉपर में करिए, नहीं तो आप ऐसे अगर बहुत ज़्यादा बारीक काट सकते हैं तो बारीक काट लीजिए। और इसमें आप गार्लिक और अदरक जो भी चाहें डाल सकते हैं, मैं बस इतना ही डाल रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं डालने वाली हूँ, मैं बस थोड़ा सादा सादा ब्रेकफास्ट है ना, तो थोड़ा सादा ही बनाने वाली हूँ। तो ऐसे मैंने चॉपर में कर लिया है, इसको मैं अब जो मैंने मिक्सर करके रखा हुआ था उसमें डाल दूँगी सारा चीज़। और कद्दू को जो मैंने ग्रेट किया था उसको भी डाल दूँगी। आप चाहे तो ज़्यादा भी कद्दू ग्रेट कर सकते हैं, या फिर कद्दू को आप ग्राइंड में कर सकते हैं। ऐसे करने से थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब टेक्सचर जो है वो अच्छा आता है। तो मैं बस थोड़ा सा नमक डाली हूँ, आप चाहे तो मसाला भी डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। बस ब्रेकफास्ट है इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब लाइट बनाना चाहती हूँ, कोई मसाला मैं नहीं डालूँगी इसमें। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे मिलाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा हमें पतला टेक्सचर चाहिए इसका, नहीं तो फिर चिल्ला फैलेगा नहीं ना। तो इसलिए ऐसा ही मैंने ले लिया है पानी डाल के, बस ऐसा ही हमें पतला चाहिए। तो मैंने ले लिया है पैन गरम होने पे, मैं एक नॉनस्टिक कर ली हूँ। अगर आप जो भी नॉनस्टिक है तो नॉनस्टिक ले लीजिए, क्योंकि कद्दू है, मैं हर बार नॉनस्टिक में ही की हूँ, मुझे पता नहीं है निकलेगा कि नहीं किसी और, मतलब अगर आयरन का जो भी है, अगर आयरन में करने से तो हेल्दी होता है, लेकिन क्योंकि निकलेगा कि नहीं मुझे डाउट है, इसलिए मैं ये जो चिल्ला बनाती हूँ हमेशा नॉनस्टिक ही में बनाती हूँ। तो इस तरह से पहला के हमें उसको कवर करके 5 मिनट तक पकने देना है, क्योंकि आटा सूजी वगैरह को थोड़ा पकना भी ज़रूरी है। तो हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे इसको, लो या लो मीडियम पे करेंगे। तो 2-3 मिनट या फिर छोड़ दीजिए, उसके बाद हम इस टाइप इस साइड पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको पलट देंगे, और फिर उसको भी हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे कवर करके। वैसे मुझे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बात करना आता नहीं है, मेरा वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं मुझे पता है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो मैंने सारा चिल्ला बना लिया है, मैं बस 4 बना रही हूँ हम दोनों के लिए। और मैं इसके साथ एक टमाटर का चटनी भी बनाने वाली हूँ, टमाटो धनिया का। तो मैं टमाटो एक ही बनाऊँगी, तो मैं क्या कर रही हूँ इसे मैं ऐसे फॉर्क में डाल के जला लूँगी डायरेक्ट गैस पर। आपका अगर ये है, मेरे पास तो है था नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो उस टमाटो को मैंने एक ग्राइंडर में ले लिया है, उसको चाकू में थोड़ा थोड़ा से काट लूँगी, क्योंकि ये गर्म था इसलिए मैं अच्छे से नहीं काट पाई, लेकिन ये तो ग्राइंडिंग हो गया। वैसे भी मैंने इसमें डाला है धनिया और एक हरी मिर्ची, इसमें आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है,
मुझे टाइम हो रहा था तो मैं इसे पीस लूँगी, तो ये हमारा चटनी तैयार हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये छिला के साथ ये चटनी जो है बहुत टेस्टी लगती है। और कल रात का बचा हुआ था चने का सब्ज़ी, उसको भी मैंने गरम कर लिया है साइड में। मेरे हस्बैंड को चने की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और ब्रेकफास्ट में भी उनको अच्छा लगेगा छिले के साथ। तो चटनी ऐसा हो गया है, मैंने कम बनाया है, आप ज़्यादा बनाएं तो अच्छे से ग्राइंड हो सकता है। वैसे भी मेरा हो गया है, बहुत टेस्टी बना था चटनी भी। ये देखिए चिल्ला कितना खूबसूरत दिख रहा है, टेस्टी दिख रहा है ना, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है ये चिल्ला। तो आप भी ये चिल्ला बनाइए एक बार, अगर नहीं बनाते हैं तो, अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है। लौकी खाना चाहिए हमको, जिन जिन को लौकी पसंद नहीं है उनके लिए आप ऐसा बना के दें, चिल्ले में डाल दीजिए, पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक डाल देना तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने ये पपाया और ये चना का सब्ज़ी सब सर्व कर दिया है मेरे हस्बैंड के लिए, उनको दे दिया है खाना। अब बारी आई मेरी ये डाइनिंग टेबल साफ़ करने की। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया है, सारा मेडिसिन जो है उसको डाल के रखने के लिए एक बॉक्स ले लिया है। बहुत कम प्राइस में वैसे लिया था बॉक्स को, उसमें मैंने सारे मेडिसिन जो है उसको डाल के एक साइड में रख लूँगी। इतना फैला हुआ होता है ये मेडिसिन, मतलब आप सोच रहे होंगे इतना हेल्दी खाते हैं तो फिर इतना सारा मेडिसिन क्यों खाते हैं, है ना। ज़रूरत पड़ती है किसी किसी को, है ना। जितना भी हेल्दी खाओ, अगर मैं हेल्दी नहीं खाती तो शायद इससे भी ज़्यादा मेडिसिन ज़रूरत होती है ना। तो मैं ये टेबल साफ़ कर रही हूँ। ये दोनों क्या बियर के बॉटल थे पता नहीं क्या थे, तो मैंने उसको फेंक दिया है और ये सारा मैं साफ़ कर रही हूँ। फटाफट से कर लूँगी साफ, पोछ लूँगी उसको। ये सारे जो ग्रीन कलर के कवर वाले जो डब्बे हैं ना, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। इतना सारा ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी, तो उनको मैं उधर कहीं नहीं रख के यहीं पे रखती हूँ डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि आसान होता है यहाँ से लाके भिगो दो, यहाँ से लाके खा लो। आलसी लोग हैं ना, पर बोले थे पहले से मैं। तो ये मेरा टेबल ठीक ठाक साफ़ हो गया है। अब मैं एक थोड़ा सा फूल लाई थी, आर्टिफिशियल फूल है, और एक बेस भी लाई थी, वो भी प्लास्टिक का है, सिरेमिक जैसा दिख रहा है। तो मैं ये एक तीन रोज़ लाई हूँ, वाइट रोज़ और एक जो है बेबी ब्रीथ का है फ्लावर। ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। तो आपको कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन, अच्छा लगा कि नहीं आप बताइए। और कुछ कलर वाला फ्लावर लेती तो वो अच्छा रहता क्या, मुझे तो ये अच्छा लगा। और ये मेरा साफ़ हो गया है, देखिए ठीक ठाक साफ़ किया है ना मैंने। हाँ, ये जो बहुत सारे कपड़े पड़े थे वो भी है ना साइड पे, उसको भी साइज कर दिए है मैंने। अब मेरा डाइनिंग टेबल थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है और मैंने थोड़ा स्वाइप भी कर दी है नीचे से। अब टाइम आता है मेरे खाने का। मैंने ले लिया है यहाँ पर पपाया, दो चिल्ला और चने का सब्ज़ी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सा बचा था उसको ले लिया है। और बहुत सारा मैंने चटनी लिया है, हस्बैंड को कम दिया था। और चटनी के साथ तो ये चिल्ला बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही हेल्दी था। सुबह सुबह अच्छा खाना हो गया, थोड़ा सा काम भी हो गया मेरा। तो आप भी ये चिल्ला बनाइए और अपनी फैमिली को ये हेल्दी ब्रेकफास्ट खिलाइए और मज़े कीजिए।